हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अपनी छत पर साफ सफाई करने। जैसे आपको पता था, हम एक छोटा सा रूम बनाने वाले हैं। जरा चेक करते हैं अगर बनता है या नहीं बनता, पता नहीं कैसा बनेगा। ठीक है, साफ सफाई करने जा रहे हैं ऊपर। सीधी बात ये है, अब हम जल्दी से चलते हैं। सो गाइस, मैं अभी आपको उसे दिखा देता हूँ। अभी चलते इधर और देखते हैं। देखो, मैंने अभी इतना कर दिया है और फिर मैं क्या करूंगा। देखो, अभी यहाँ का जो पूरा सामान था मैंने इधर कर दिया। यहाँ से इधर कपड़ा बांध के ये पूरा बंद हो जाएगा, इधर अपना हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो अभी मैंने इतनी साफ सफाई कर दी है और इतना सब कुछ उठा के देखो कितना सारा है। उधर पटकना है सारा, ये पूरा उठा के उधर रखना है। इतने ये जो पिलर है यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें पूरा कवर करना है और ये पूरा हिस्सा हमारा खाली रहना चाहिए। गाइस, इतनी मेहनत मैंने आज तक कभी नहीं की है जितनी मैंने आज की है अकेले। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसा लग रहा है जल्दी से। सो गाइस, आपको पहले दिखा देता हूँ। पहले आप ये देखो कि हमारी छत कितनी क्लीन है। गाइस, इतनी धूप में गाइस मैंने ये पूरी छत अपनी पूरी साफ की है झाड़ू लगाकर। पूरी ये सारा का सारा सामान अभी टंकी वगैरह सब कुछ हटा के करूंगा। और अब आप इधर देखो, पहले ये खटिया जो अभी बनी नहीं है, ये देखो मैंने पूरा सामान यहाँ से एकदम क्लीन पूरा कर दिया है। और ये इधर मैंने कुछ वैसे लटका दिया, बॉर्डर लगा दिया। और इधर है हमारा सारा का सारा सामान, उधर बोरियां, इधर लकड़ियों का सामान, इधर जो कार्डबोर्ड रखा है इसके इधर पाइप वाला, इधर कार्डबोर्ड के इधर पूरा लकड़ियों वाला सामान रखा है। और इधर है अपना, यहाँ हम सारा सामान अपना लगाएंगे क्योंकि नीचे क्या डिस्टर्बेंस, मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एकदम शांति एकदम, है ना। तो ये इधर बहुत अच्छा बना लिया गाइस। इसके लिए गाइस मैंने अपनी इतनी मेहनत की है गाइस, इतनी मेहनत मैंने कभी नहीं की, बहुत मेहनत लगी। इधर मैंने शुरुआत की थी अपनी 9 बजे से मैंने शुरुआत की थी और इधर बज रहे हैं अभी 9:10-11, 2 घंटे। और कल रात में ही मैंने हटा दिए थे लगभग, टोटल मिला के 3 और इधर छत भी साफ की है। तो अभी टोटल हमारा टाइम हो रहा है 12:45। ठीक है, तो मतलब अपने 4 घंटे अपने पूरे गए, लेकिन हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया। लगातार लगा रहा, पूरा साफ सफाई पोछा वगैरह सब कुछ कर दिया मैंने, एकदम क्लीन कर दिया है। अभी इस जगह एक कुछ पर्दा सा लगा के इधर अपनी एक नया बेड लगा के चालू कर देंगे अपन, सब कुछ सजा बजा देंगे। क्योंकि मतलब एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जिधर अपन को बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, अपन ना कोई भी काम कर रहे हैं तो डिस्टर्ब ना हो, नीचे क्या है बात कर रहा है कोई, कोई इधर कर रहा है। फाइनली गाइस, मैंने बोर्ड भी इधर अपना ला के रख दिया है। 2 बज चुके हैं और मैंने अभी कुछ नहीं खाया, तो पहले मैं खा लेता हूँ, इतनी तेज भूख लग रही है मुझे, मैंने कुछ भी नहीं खाया। पहले मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद कुछ करते हैं। गाइस, अभी पूरी साफ, अब इसमें जो सामान रखेगा वो तो गाइस मैं कल रखूंगा क्योंकि आज तो मेरी हालत बहुत खराब है, तो मैं अब कल रखूंगा उसे। पूरा सामान जो भी कुछ होगा वो सारा का सारा मैं कल रखूंगा, आज तो मैं कुछ नहीं करने वाला, खा लेते खाना। सो गाइस, हमारा एक प्रोडक्ट आ गया, अभी डिलीवर हो गया, तो मैंने अनबॉक्स करके देख लिया दरअसल, लेकिन फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस, वो जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा, गाइस जो मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया है वो कुछ ये वाला प्रोडक्ट है। ये अभी देखते हैं इसमें क्या निकलता है, क्या आया है इसके अंदर। अंदर कुछ ऐसा वॉयलेट सा आया है, तो जरा हम चेक कर लेते हैं। सो, ये कुछ ऐसा वॉयलेट आया है जो काफी अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको जरा ओपन करके देख लेते हैं। सो गाइस, इसके अंदर नेल कटर, सारी के सारे जो एक्सेसरीज होती है सारी की सारी, इसमें नाखूनों की जो है वो सारी की सारी इसके साथ दी गई है। गाइस, ये मैंने अपने मतलब नाखूनों के लिए मंगाया, अपनी दीदी के लिए मंगाया था, तो ये मुझे लगभग 80 रुपए का पड़ा। कितना सस्ता, कैसे गाइस, धनी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत अच्छा ऐप है, बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं उसमें, बहुत रिमोट कंट्रोल चीज़ें हैं, रिमोट वाली चीज़ें बहुत सारी हमें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, तो आप भी धनी ऐप को यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा ऐप है, बहुत सस्ता दे देता है। और भी शॉपसी पर भी ऑफर चल रहे हैं, तो आप ले सकते हो शॉपसी से। कैसे, जैसे आपके किसी रिलेटिव ने, कोई भी किसी ने भी किसी के नंबर से अकाउंट ना बनाओ फ्लिपकार्ट में, शॉपसी में अकाउंट ना बनाओ, उसने कभी भी कुछ ऑर्डर नहीं किया हो, तो आप उस नंबर अपने अकाउंट में मतलब कोड लेके लॉगिन करके आप ऐसा कर सकते हो, और फिर आपको उसमें 45 रुपए का स्टोर मिल जाएगा जिसमें आप कुछ भी ले सकते हो 45 रुपए में। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो अभी मैं अभी और हमें इसे चेक कर लेते, तब तक आप बने रहो ब्लॉग में। अभी मैं चाय बना रहा हूँ। सो गाइस, मेरा तो डन है, मैंने पूरा सब कुछ अपना क्लियर कर दिया ऊपर, और मेरा एक और क्लियर हो गया, मेरी एकेडमी की बात हो गई। मेरे पापा से मैंने उन भैया से बात करा दी, तो हमारी वुशू की जो एकेडमी है जिसमें बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग भी कहते हैं, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, तो उसमें हमारी एकेडमी ज्वाइन हो चुकी है। और हम फिर गवर्नमेंट टूर्नामेंट खेलने जाऊंगा अगर जीतते हैं तो। गाइस,
मजा ही मजा है, और हार गए तो भी मजा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। हारने पे जीतने वाली कोई वो सिस्टम नहीं है, अपन को अपना कोशिश करनी है बस। कोशिश करके अगर जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी मैं इसकी बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अब बॉक्सिंग बैग भी मैंने लटका लिया है, मैंने आपको पता ही है कपड़े से बना के, तो मैं उसकी बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं इसमें एक्टिव भी स्टंट वगैरह वैसे ही करता हूँ, और शरीर वगैरह है ही, तो अपनी टेंशन फ्री है गाइस। तो अभी और अभी हमारी जो क्या कहते हैं अभी टैबलेट की जो अभी वो चल रही है, क्या कहते हैं टैबलेट की अभी प्लानिंग चल रही है, टैबलेट ऑनलाइन में हमें कुछ वो खास नहीं लगी, तो इसलिए हम ऑफलाइन में देखेंगे। तो पापा तो अभी से कह रहे थे कि अभी देखने चलो, क्योंकि 25 तारीख तक चाहिए, आज 24 या क्या करेंगे, तो या आज या कल तक क्लियर होनी है टैबलेट दोनों की दोनों, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस पूजा चल रही है, पहले पूजा करके आ जाती है। गाइस आगे जो ब्लॉग आने वाली है उसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो इस ब्लॉग में इतना कुछ खास तो था नहीं, लेकिन ये ब्लॉग बस यहीं पर एंड करता हूँ, कुछ ज्यादा अच्छा कंटेंट मिला नहीं। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। आज मैंने 4 घंटे तक मैंने ऊपर साफ सफाई की है, इसकी मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जो भी देख रहा है लाइक तो जरूर कर देना गाइस। तो मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।